अभी हम लोग पिछले डिस्कशन के दौरान देखे थे कि एनिमल ब्रीडिंग को, उसमें हम लोग देखे थे कि दो तरह के ब्रीडिंग्स थे, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग्स। हम लोग इन ब्रीडिंग के बारे में चर्चा करे थे, जिसमें हम लोग कहा था कि ब्रीडिंग बिटवीन सेम ब्रीड में अगर था तो इसको हम लोग इन ब्रीडिंग कहे थे। आउट ब्रीडिंग में प्रोसेस हैं डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में, डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में प्रोसेस हैं, ये आउट ब्रीडिंग है। यानी कि आउट ब्रीडिंग में जो प्रोसेस हैं वो हैं अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में, अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में। अब ये अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में जो प्रोसेस हैं, इसमें दो बातें हो सकती हैं, दो संभावनाएं हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो इंडिविजुअल हैं जिनके बीच क्रॉस हो रहा है, वो मे बी आप सेम ब्रीड हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स आप मे बी ऑफ सेम ब्रीड हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन एंसेस्टर नहीं रखते हों 4 से 6 जनरेशन तक। यानी दोनों इंडिविजुअल्स के जो सेम ही ब्रीड के हैं, लेकिन उनके कॉमन एंसेस्टर 4 से 6 जनरेशन तक ना हों, इनके बीच में क्रॉस हो सकता है, और ऐसे क्रॉसेस को हम आउट क्रॉसिंग कहते हैं। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट ब्रीड्स के ही हों, डिफरेंट ब्रीड्स के इंडिविजुअल के बीच में अगर क्रॉस है तो ये क्रॉस ब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग। यानी आउट ब्रीडिंग में दो बात संभावनाएं हो सकती हैं, आउट ब्रीडिंग में क्रॉस ब्रीडिंग भी हो सकता है और आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग भी हो सकता है। आउट क्रॉसिंग जो है वो सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स के बीच में है, लेकिन उन इंडिविजुअल्स के बीच में कॉमन एंसेस्टर 4 से 6 जनरेशन तक नहीं है। ऐसे ही क्रॉस ब्रीडिंग में जो इंडिविजुअल्स हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट ब्रीड्स के हैं। अब आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग का क्या एस्पेक्ट है? आउट ब्रीडिंग में कहा जाता है कि ये बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है, आउट क्रॉसिंग जो है, आउट क्रॉसिंग बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है ऐसे एनिमल्स के लिए जो बिलो हो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट और बीफ कैटल के लिए। मतलब जो एवरेज से बिलो एनिमल हैं, जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट और जो बीफ कैटल हैं उनके लिए जो बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है वो आउट क्रॉसिंग है। अब कहता है कि इस आउट क्रॉसिंग का एक और फायदा है, एक सिंगल आउट क्रॉस से हम सेल्फ ब्रीडिंग, सेल्फ जो है या इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो एक सिंगल क्रॉस, सिंगल आउट क्रॉस के द्वारा हम जो है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। ऐसे ही क्रॉस ब्रीडिंग जो है, कहता है क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ करता है डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स को कंबाइन करने में। यानी दो डिजायरेबल जो करेक्टर वाले लोग हैं, क्वालिटीज़ वाले इंडिविजुअल्स हैं, उनको एक साथ कंबाइन किया जा सकता है। इसमें जो प्रोजनी है, प्रोजनी को सेलेक्ट किया जा सकता है, प्रोजनी को सेलेक्ट करने के बाद फिर उनमें क्रॉसिंग कराया जा सकता है, और सुपीरियर मेल और फीमेल के द्वारा फिर से सेलेक्शन के द्वारा नए स्पीसीज़ का डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। इसी का एक एग्जाम्पल है हिसार डेल, नए ब्रीड का जो है यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे यहाँ हिसार डेल है, ये न्यू ब्रीड्स है सिप की, जिसको ऑप्टेन किया गया है क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा, जिसमें विकानेरी ईव्स को क्रॉस कराया गया है मरीनो रेम से। तो ये हिसार डेल है जो पंजाब में डेवलप किया गया था, ये आउट ब्रीडिंग था। आज बस इतना।